वेलकम टू हैरीज व्लॉग। आज है 16th of Feb और हमने जर्नी की शुरुआत की थी 13th of Feb को, आज से ठीक 3 दिन पहले। और आज जो है हमारा थर्ड डे है इस ट्रेन के अंदर। एंड इस वाले व्लॉग में जोलर पताई हमने क्रॉस किया है, जोलर पताई से लेके पूरा कन्याकुमारी तक वी हैव कवर्ड अराउंड 3000 किलोमीटर्स और अभी भी 774 किलोमीटर्स बचा है टुवर्ड्स कन्याकुमारी। व्लॉग देखना स्टार्ट कर रहे हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, बहुत 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 एफर्ट्स लगे इस वाले वीडियो में। तो हाँ, आपके लाइक सपोर्ट से मैं जो है और बेहतरीन कंटेंट बना पाऊंगा इन द फ्यूचर। मेरी नीचे वाली सीट्स पूरी भरी हुई थी, ठीक है, अभी जाके पूरी की पूरी सीट्स खाली हुई हैं। मेरी सीट है ये, एक्चुअली मेरी भी नहीं है, किसी और की थी तो मैंने एक्सचेंज की थी। ये सीट सारी खाली हुई है। अभी बढ़िया सा थंबनेल हमने निकालूंगा बैठ के आराम से, तो जब तक थोड़ा कैमरा चार्ज कर लेते हैं। पूरा दिन है और नेक्स्ट स्टेशन इज सेलम। पूरी जर्नी में 3 दिन बाद अब जाके नीचे आया हूँ और शीशा भी देखो कितना कंतरी सा मिला है। 3 दिन बाद भी अजीब ही, मतलब अलग जर्नी रही है इस बार। नेक्स्ट स्टॉप इज सेलम जो कि है अराउंड 109 किलोमीटर दूर। और बाहर का मौसम आपको लगेगा ही नहीं कि आप जैसे तमिलनाडु में, आपको लगेगा पता नहीं आप कोई दूसरे स्टेट में हो, काफ़ी ठंडा है। मेरे फ़ोन की हो गई है बैटरी ख़त्म। अच्छा लग रहा है काफ़ी, मतलब काफ़ी मेजर चंक ऑफ द जर्नी जो है ख़त्म हो गई, मतलब थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ भाई कुछ किया है, कुछ मेहनत की है, अच्छा लग रहा है। बट हाँ, अभी आप लोग अगर सपोर्ट आया और आप लोग ने खूब प्यार दिया और अच्छा लगेगा, दैट्स ऑल। ये देखो भाई बहुत ही कमाल का सनराइज हो रहा है, लेकिन ये शीशा इतना गंदा है मैं क्या करूँ। बिना शक्कर की चाय बोल रहे हैं आप, इनका सर्विस ही बहुत खराब है। बिना शक्कर की चाय। राइट नाउ इट्स 8, वी आर इन सेलम इन तमिलनाडु। 3120 किलोमीटर कवर करने के बाद हम आ चुके हैं तमिलनाडु के सेलम में। यहाँ से 500-600 किलोमीटर और होगा कन्याकुमारी। अगर आप पैंट्री से खाते हो ब्रेकफास्ट तो आपको पोहा, वड़ा, उपमा, पोहा और वड़ा मिल जाएगा। एंड ब्रेकफास्ट ही अच्छा है, उसके अलावा कुछ भी खाने लायक नहीं है। एक पैसेंजर हैं वो 2-3 दिन से मंगा रहे हैं कि भाई चाय ले आओ बिना शुगर के, कोई ला के नहीं दिया चाय उनको अभी तक। एंड राइट नाउ इट्स 8:02, हमारा यहाँ से निकलने का समय है 8:07। तो सामने एक चाय का दुकान है, वहाँ जा रहा हूँ देखने के लिए चाय मिल जाए तो, और डोसा वगैरह भी मिल जाएगा आपको आप चाहो तो, यहाँ से मिल रहा है। हालांकि मेरा फिल्टर कॉफ़ी पीने का बहुत मन है लेकिन फिल्टर कॉफ़ी कहीं पे भी नहीं है फिलहाल। सेलम के बाद हमारा नेक्स्ट स्टॉप है इरोड। सोच रहा हूँ जाके थोड़ा सो जाऊँ, रेस्ट कर लूँ, बिकॉज रात में पहुँचेंगे बहुत लेट, ऐसा ना हो कि रात भी ख़राब हो जाए। इट्स ऑलमोस्ट 3.5 डेज और हालत खस्ता है, बैंड बज चुकी है, सर्दी देख ही रहे हो मुझे लगी है बहुत ज़्यादा। इट हैज़ बीन अ टफ जर्नी बट अ मेमोरेबल वन, जिंदगी भर याद रहेगी, जल्दी नहीं भूलूंगा मैं इसको, ये पक्का है। राइट नाउ इट्स 10:50, थोड़ी देर सो गया था। 10 किलोमीटर दूर है हम कोयम्बतूर से। ये लंबी जर्नीज में ना गाइस क्या होता है, बीच बीच में सोना बहुत ज़रूरी है, थक जाओगे है ना, और व्लॉग में बहुत कुछ मिस कर दोगे। तो मैं 2 घंटा सोया, 1.5 घंटा सोया, एनर्जी आई, अभी फिर व्लॉग करूँगा एंड फिर देखूँगा शाम को एक बारीक झपकी फिर ले लूँगा। राइट नाउ इट्स 11:02 और अभी हम आ चुके हैं कोयम्बतूर में। अभी हमने कवर किया है लगभग 3280 किलोमीटर कश्मीर से। अब हम आ चुके हैं तमिलनाडु में, तमिलनाडु के कोयम्बतूर में। जो हमें डिस्टेंस कवर करना है कन्याकुमारी का वो है 513 किलोमीटर। अभी बहुत कमाल की हवा चल रही है इधर से, वो देखो वो इंडिया का फ्लैग भी आप हिलते हुए आपको दिख रहा होगा। 17 मिनट बिफोर आ गई है हमारी ट्रेन इधर, तो मेरे पास अपॉर्चुनिटी है कि मैं कुछ खा पी पाऊँ। अगर आप भी जर्नी करोगे ना तो आपके अंदर भी एक ही चीज़ रहेगी कि भाई बाहर निकलने का मौका मिले, थोड़ा बाहर चलने का मौका मिले। तो सुबह से चाय कॉफ़ी नहीं पी है, यहाँ से लेते हैं चाय कॉफ़ी। भैया मशीन वाली चाय है, मशीन वाली चाय। थोड़ी सी तो अच्छी फीलिंग आ रही है कि फाइनली अब ये पूरी जर्नी ख़त्म होने वाली है अब से 6-7 घंटे में। एंड जब स्टार्ट की थी मैंने, मेरे अंदर बहुत कुछ चल रहा था कि मैं कर पाऊँगा कि नहीं, एंड ये हो पाएगा कि नहीं, क्योंकि गाइज आपको पता है अभी बैक टू बैक मैंने बहुत सारा कंटेंट दिया है जो मतलब इंटरनेशनल है। मतलब एक हैबिट भी होती है ना कि मतलब लंबी जर्नी करने की, वो बहुत समय से नहीं थी, बट स्टिल समहाउ इट हैज़ बीन डन। और आप लोग बहुत लोग कहते हो मुझे कि मतलब ट्रेन व्लॉग्स नहीं डाल रहा हूँ ये वो। गाइज देखो समय के साथ बदलना पड़ता है, चेंज होना पड़ता है। कॉन्टेंट आने पर मैं पक्का कॉन्टेंट बनाऊँगा, चाहे वो टफ हो, चाहे वो कितना भी टफ हो, जैसे अभी फिलहाल ये हिमसागर हो गया। एनी डे व्हेन देयर इज अ कंटेंट, हैरी भाई विल कम एंड मेक द कंटेंट, डजंट मैटर। पर ये है ना कि समय के साथ बदलना भी पड़ता है। अब नई नई जगह दिखाऊंगा, नई नई चीज़ें दिखाऊंगा तो भी आपको अच्छा लगेगा ना, तो भी तो आप तभी तो मेरे को इन्जॉय कर पाओगे, वरना मेरा चैनल कैसे इन्जॉय कर पाओगे आप।
तो ये दूध पेड़ा मिल रहा था इधर, ठीक है ना। मुझे काफी मन किया एक बार ट्राई करने का। देखो ये लिखा हुआ है मेड फ्रॉम होल मिल्क, है ना, तो काफी बढ़िया लग रहा है। एक बार ट्राई करते हैं कैसा है, कुछ अलग है, आई थिंक यहाँ की ऑथेंटिक डिश है। साथ में ही कॉफ़ी भी ले ली है, सुबह से कॉफ़ी नहीं पी थी, कुछ भी नहीं पिया मैंने। इनफैक्ट आपको याद होगा पहले की कुछ जर्नीज में जब मैं करता था ट्रैवल तो कॉफ़ी चाय तो लगी रहती थी, क्योंकि गाइस इसको जितना कम पियोगे उतना ही अच्छा रहता है और शुगर फ्री का ऑप्शन नहीं है ना इन सब कॉफ़ीज़ में। कोयम्बतौर से आपको कनेक्टिविटी अच्छी मिलेगी, मतलब दिल्ली के लिए डायरेक्ट फ्लाइट्स हैं, डेली बेसिस पे बहुत सारी फ़्लाइट्स हैं, मुंबई के लिए बहुत सारी फ़्लाइट्स हैं। और यहाँ से ना एक सदगुरु जी का सेंटर है यहाँ पे, ईशा योगा सेंटर में गया हूँ, बहुत बहुत कमाल की जगह है। ऑल्सो अगर आपको ऊटी जाना हो ना तो यहीं से डाइवर्जन होता है, कोई एक स्टेशन आता है एम से, आप वहाँ जाते हो एंड देन वहाँ से टॉय ट्रेन पकड़ के यू गो टू ऊटी। तो कोयम्बतौर एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट सिटी है तमिलनाडु में चेन्नई के बाद। तो एयरपोर्ट भी बढ़िया है कोयम्बतौर का। दिस इज़ आई थिंक लास्ट पार्ट ऑफ तमिलनाडु, उसके बाद एंटर करेंगे केरला। पाइन एप्पल्स मिल रहे हैं बड़े अच्छे, मैंने पाइन एप्पल लिए हैं। कोई भी जर्नी बिना दिक्कत के ख़त्म हो जाए ऐसा कैसे हो सकता है, और अगर वो इतनी लॉन्ग जर्नी हो तो। अभी कोयम्बतौर से निकले हुए हमको हो गए लगभग आधे पौन घंटा, और पता नहीं केरला एंटर करने के पहले कुछ स्टेशन है वहाँ पे इन्होंने रोक के रखा हुआ है, कम से कम आधा घंटा हो गया। ब्लॉकेज है ट्रैक में, पता नहीं क्या है, अप डाउन अप ट्रैक में दिक्कत है। एक चीज़ अच्छी है कि जहाँ पर हम खड़े हैं यहाँ हवा बहुत तेज़ चल रही है। गाइज राइट नाउ इट्स 170, वी आर इन पालक्कड़ राइट नाउ। पालक्कड़ इज़ इन केरला। यहाँ पे हमको एक घंटा पहले आ जाना चाहिए था लेकिन हम एक घंटे बाद आ रहे हैं, वो टेक्निकल इशू था। सो फार वी हैव कवर्ड अराउंड 3330 किलोमीटर्स एंड यहाँ से 418 किलोमीटर और है कन्याकुमारी। एक टाइम था जब कोविड के टाइम पे मैंने जर्नीज की थी एंड उस वक्त स्टेशन की हालत अलग ही लेवल थी भाई, और अभी फिर भी बेटर है। एंड यहाँ पे खाने पीने का सामान बहुत सारा मिल रहा है, तो कई लोगों ने डोमिनोज भी मंगाया है। तो अभी तक पालक्कड़ में रुके हुए हैं, स्टेशन का नाम शायद थोड़ा बदल दिया इन्होंने, पालघट रख दिया है, पहले पालक्कड़ ही था, तो कई जगह पालक्कड़ लिखा है कई जगह पालघट लिखा है। सीरियसली बता रहा हूँ अब जो थकान हो रही है ना कसम से। हाँ तो उससे आप ले लेना ना, राइट नाउ इट्स 151। अभी हम आए हैं उत्तापल्लम में, इसके बाद आई थिंक अलुवा आएगा, और भैया से मैं ले रहा हूँ कॉफ़ी। तो मैंने कॉफ़ी ली है, अपने गूगल पे चेक किया तो एक कोई आकाश भैया हैं, इन्हीं को मैं 3 दिन से भेज रहा हूँ पैसे। अभी मैंने पूरी हिस्ट्री देखी तो पता नहीं 3 दिन में कम से कम मैं इनको 500-600 रुपये भेज चुका हूँ, गूगल पे कर चुका हूँ। तो हाँ एक चीज़ अच्छी हुई है पैंट्री वालों के साथ कि इन्होंने गूगल पे और सब रखा हुआ है डिजिटल पेमेंट का सिस्टम, क्योंकि गाइस देखो 3 दिन तक आप ट्रैवल कर रहे हो तो ज़्यादा पैसा कितना ही कैरी करोगे, और ज़्यादा कैश कैरी करना कभी सेफ नहीं होता है, और आजकल तो कैश कैरी करने की हैबिट ही जा चुकी है। एनीवे ये कॉफ़ी इन्जॉय करते हैं, एंड अभी यही जो आप बाहर सीनरी देख रहे हो ना, अगर ये मानसून होता तो बहुत ही खूबसूरत लगता सारा कुछ। 15 किलोमीटर अवे फ्रॉम त्रिशूर भी मैं पी रहा हूँ ये कोकोनट वाटर। सो राइट नाउ इट्स 248। हम आ चुके हैं त्रिशूर में, वी हैव कवर्ड अराउंड 3400 किलोमीटर्स, कन्याकुमारी के लिए 349 किलोमीटर्स और बचे हैं, एंड अभी हम एर्नाकुलम के पास में ही हैं। अगला स्टॉप अलुवा है, उसके बाद देन हम पहुंचेंगे एर्नाकुलम। तो टर्बो भी हमारे साथ ट्रैवल कर रहा है, 2 दिन से बेचारा यहीं पे ही है, ट्रिवेंड्रम उतरेगा ये। सो राइट नाउ इज 338, डे 3, अबाउट टू रीच अलुवा। अलुवा जो है ना बोल सकते हो कि आउटर है एर्नाकुलम का, कोची का आउटर है, और यहाँ से कोची 25 किलोमीटर है। हम जा रहे हैं अभी भी बहुत दूर, तो हालत खच्चर हो चुकी है मेरी। दिस इज़ सम सॉर्ट ऑफ एन एक्सपीरियंस। और केरला आ चुके हैं तो बस केरला का आपको पता ही है, बगल में घर चलते ही रहते हैं। हम आ गए हैं अभी अलुवा में, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक टोटल कितनी स्टेट्स कवर किए हैं कमेंट डाउन बिलो। ऑल्सो ये वीडियो कहाँ से देख रहे हो प्लीज़ बताओ। मैंने हुडी पहनी हुई थी, ऊपर मैंने स्कल कैप लगाया हुआ था, अभी ऐसी गर्मी है, यही होता है, सब कुछ बदल गया। हम आ गए हैं एर्नाकुलम, कटरा से निकले थे पता नहीं कब, अभी आए हैं एर्नाकुलम, 1 घंटा लेट हैं लेकिन आई एम श्योर इसका मार्जिन बहुत है, तो कन्याकुमारी शायद हम टाइम से ही पहुंचेंगे। अभी मौसम काफ़ी ह्यूमिड हो रहा है इधर, कॉफ़ी वगैरह मिल पाए तो ले लेंगे यार, मन कर रहा है कुछ कॉफ़ी पीने का। और पूरी ट्रेन खाली हो गई है, एक भी सीट नहीं है। बाहर गर्मी है बट अंदर जो है एसी बढ़िया चल रहा है। ऑल्सो मैंने एक चीज़ देखी कि साउथ में ना स्टेशन्स में भी कॉफ़ी चाय अच्छी मिलती है कंपेयरटिव, और नॉर्थ इंडिया का हाल बहुत बुरा है। भले ही कॉफ़ी मैंने स्टेशन से ली है बट अच्छी है, टेस्ट बढ़िया है इसका, लग रहा है कुछ हाँ कॉफ़ी जैसा पी रहा हूँ लग रहा है।
शाम की कॉफ़ी, तीसरी शाम है। पता नहीं कितने सनसेट देख चुके हूँ, मुझे याद ही नहीं है कितनी बार मैं ये बोल चुका हूँ, मुझे ये भी याद नहीं है। सो फार सो अमेजिंग। क्या बोलते हैं इसको बताओ जरा फिर से। कॉफी चीना। कॉफी चीना फिर से बोलो। कॉफी चीना। नहीं तो तीन दिन में तो आप आए नहीं एक बार भी कॉफ़ी चीना लेके, ठीक है। उसके बाद अभी आप ला रहे हो, अभी जब ट्रेन पहुँचने वाली है कन्याकुमारी, ये कौन सी बात हुई। 25 रुपये की है। 25 रुपये तो मैं कॉफ़ी चीना इन्जॉय करता हूँ, कैपेचिनो आई मीन, ठीक है। और हाँ तो जैसे ही आप केरला एंटर करोगे ना, आपको बहुत सारे छोटे छोटे लेक्स, पॉन्ड और एक बहुत कॉमन चीज़ मिलेगी आपको केरला में कि वो छोटे छोटे जो बोट्स हैं ना, तो बोट्स भी आपको ऐसे ही मिलेंगी कहीं इधर उधर। एंड हाउस बोट्स तो नहीं, हाउस बोट कॉन्सेप्ट भी है केरला में, पर वैसे आपको ट्रेन जर्नी में भी बहुत सारी छोटी छोटी बोट्स मिल जाएंगी। जो केरला में सनसेट्स है ना, दैट इज़ ब्यूटिफुल। मतलब फिलहाल आपको सनसेट दिखने वाला है इस वाले वीडियो में, इट वुड बी एक्सेप्शनल। और बस ट्रिवेंड्रम हम पहुँचने वाले हैं, लेकिन थोड़ा सा कन्फ्यूजन चल रही है। एक्चुअली मेरी फ़्लाइट जो है नेक्स्ट आगे की, वो ट्रिवेंड्रम से है, और वैसे भी ट्रिवेंड्रम जब आएगा तब तक पूरा अंधेरा हो चुका होगा। वी हैव रीच्ड कोटायम, इसके बाद दो तीन स्टॉप्स है, देन वील रीच ट्रिवेंड्रम। तो एक मैम है कोटायम की, इनसे मैं डिस्कस कर रहा था बहुत सारी चीज़ें, तो उन्होंने बताया कि केरला में इतनी ज़्यादा एडुकेशन है कि डोमेस्टिक हेल्प नहीं मिलती। जैसे हमारे यहाँ नॉर्थ इंडिया में अगर हमें कुछ जैसे काम वाली आंटी होती है, या फिर इनकी जो मेड भी है जो इनके लिए हेल्प करती हैं, जो इनकी हेल्पर है, वो भी BA पास है, तो हाँ अब उनकी जॉब लग गई कहाँ पे, तो वो चली गई। तो हाँ, और यहाँ पे घर सबके बड़े बड़े होते हैं, 2 stories 3 stories, तो मतलब सब अच्छा लगा, मतलब जान के मुझे ये सब चीज़ें भी केरला के बारे में। पूरी ट्रेन भरी थी भाई साहब, पूरी खाली हो चुकी है ये, और मैंने कहा था ना सब चले जाएंगे लेकिन ये भैया रहेंगे, तो ये अपने साथ ही हैं अभी तक। एक चीज़ का सोच रहा हूँ एक्चुअली कि देखो मुझे आना है ट्रिवेंड्रम वापस, ठीक है, क्योंकि मेरी फ़्लाइट है ट्रिवेंड्रम से। अच्छा अभी रात होने वाली है, शाम तो हो ही रही है, कन्याकुमारी पहुँचेगी रात में 12 बजे और ट्रिवेंड्रम पहुँचेगी 8-9 बजे। तो समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ अगर मैं ट्रिवेंड्रम उतर जाता हूँ। सो दैट इज़ अ स्मार्ट मूव, मतलब मेरा ट्रिवेंड्रम कन्याकुमारी, कन्याकुमारी ट्रिवेंड्रम, जो डबल ट्रिपल ट्रैवल है ये बच जाएगा, क्योंकि मेरे को आगे की फ़्लाइट ट्रिवेंड्रम से लेनी है। लेकिन टिकट मेरी कन्याकुमारी तक है, और कन्याकुमारी तक जाऊंगा वैसे भी रात रहेगी, कुछ दिखा पाऊंगा नहीं आपको। 50 किलोमीटर्स दूर है ट्रिवेंड्रम से कन्याकुमारी, इट्स ऑलमोस्ट देयर। बाय कार भी जाओगे तो 1 घंटे में पहुँच जाओगे। तो हाँ अगर मैं ट्रेन से जाता हूँ उधर, तो फिर आना पड़ेगा मुझे वापस ट्रिवेंड्रम। 18th की फ़्लाइट है, तो समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, ट्रिवेंड्रम उतरूं या मैं जाऊं कन्याकुमारी। टिकट तो मेरी कन्याकुमारी तक है। तो ये हमारी लोकेशन है, देख रहे हो, और आपने 2 व्लॉग पहले देखा था हमारी लोकेशन, कुछ ये बर्फीले पहाड़ों के बीच में थी। तो वीडियो में से मुझे बस 2 मिनट दे दो, और जब आप ये आवाज़ सुन रहे हो ना, बेसिकली ये आवाज़ है फ्रॉम द गेम एविएटर, जो कि अवेलेबल है फोरा बेट जैसे प्लेटफॉर्म पे। आज आपको बताऊंगा कैसे आप फोरा बेट पे एक अच्छी खासी अमाउंट अर्न कर सकते हो लगभग 1 मिनट में। तो ये गेम जो है मैं अपने दोस्तों के साथ भी खेलता हूँ, सो हैप्पी कि आज ये उन्होंने जो है इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है। तो जो लिंक है फोरा बेट की वो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जाके आप साइन अप कर सकते हो। तो आफ्टर रजिस्टरिंग मेक अ डिपॉजिट एंड गेट बोनस। तो मैंने डिपॉजिट किए थे लगभग 10,000 मुझे एज अ गिफ्ट वापस मिल गए एज अ बोनस। तो चलिए लेट्स फाइंड द एविएटर गेम एंड लेट्स गो। चलिए मैं लगभग 5,000 डालता हूँ, जो ऑड्स है वो ऊपर जाने लग रहा है। और हाँ मुझे जो ये प्लेन है टाइम से रुकना पड़ेगा, जो कि है तभी मैं अपनी जो विनिंग्स है लॉक कर पाऊंगा कैश आउट क्लिक करके, है ना। चलिए मैं अपनी जो ये जो विनिंग्स है, मैं अपनी जो ये जो अपनी बेट है मैं इसको 3.5 times बढ़ाता हूँ। वो हो भाई साहब 17,650 रुपये जीत गया। नाउ हम ड्रॉ करते हैं 22,000 मेरे अकाउंट में, एंड बाकी जो है ना वो मैं अगले वाले गेम्स के लिए रहने देता हूँ। एंड द मनी हैज़ ऑलरेडी अराइव्ड।
तो काफ़ी सब्सक्राइबर मुझसे पूछते हैं कि मैंने अलग वेबसाइट्स पे भी खेलने का ट्राई किया है क्या। हाँ ऑफकोर्स, बट मैं एडवाइस करूंगा ये फोरा बैठी। ये इकलौती वेबसाइट है जिसका विड्रॉवल टाइम सिर्फ 1 से 3 घंटा है और विड्रॉवल जो है वो डिले या फिर ना भी आ सकता है अदर वेबसाइट्स पे। ओनली प्ले एट फोरा बेट विच इज लाइसेंस वेबसाइट। एंजॉय द गेम एंड लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। आज है थर्ड डे की शाम और हम आ चुके हैं तिरुवल्ला। डिस्टेंस तो आप बस गेस करते ही रहो, बस मुझे ये पता है कि जो शाम होने वाली है बहुत कमाल की होने वाली है, केरला की शाम और कन्याकुमारी की भी। तो हाँ मौसम हल्का हल्का ह्यूमिड है, उतना तो नहीं, बट मेरे को समझ नहीं आ रहा जनरल में इतना रश क्यों है, अलग लेवल वाला रश है। हालांकि यहाँ स्टॉप नहीं है तो आप देख लो जूम करके, रश बहुत ज़्यादा है जनरल में, मतलब 2 दिन से हाँ अंदर थक गया। अच्छा इट्स 6:13 और हम आ गए हैं चेंगानूर में और बस त्रिवेंद्रम की ओर जा रहे हैं और सारे के सारे सिटीज़ ही हैं, मतलब कुछ भी ऐसा गांव वाला कोई सीन नहीं इधर। राइट नाउ इट्स 6:34 इन द इवनिंग और हम आ गए हैं कायमकुलम में। तो भाई ऑलमोस्ट अंधेरा हो रहा है तो अभी हम आके रुके हैं करुणागप्पली में। इसी शाम की मैं बात कर रहा था आपसे कि केरला की शाम बहुत कमाल की होती है। तो वो एक मूवी आती ना द स्काई इज़ पिंक करके, तो ये स्काई ऑरेंज पिंक इतना कमाल का लग रहा है और कन्याकुमारी से भी ये बहुत कमाल का लगता है। मतलब कन्याकुमारी और केरला का सनसेट, मतलब त्रिवेंद्रम का स्पेशली, बिकॉज वो ज़्यादा साउथ में आता है, इतना कमाल का लग रहा है। देखो गाइस इसी की मैं बात कर रहा था। ना जाने कितनी सारी शाम हो चुकी हैं इस ट्रेन के अंदर एंड द डिसीजन हैज़ बीन मेड कि आई विल गेट डाउन एट त्रिवेंद्रम। ठीक है 50 किलोमीटर ही दूर है, 50 किलोमीटर ही दूर है वो कन्याकुमारी से, बट इट्स अ वाइज डिसीजन फॉर मी क्योंकि मुझे फ़्लाइट पकड़नी है त्रिवेंद्रम से, फिर मैं रात 12 बजे पहुँचूंगा कन्याकुमारी, वहाँ पे क्या कहते हैं कन्याकुमारी। खाया कुछ है नहीं मैंने 3-4 दिन से, भूख ऐसी लग रही है कि फिर वहाँ जाके भी कुछ खाने को नहीं मिलेगा। सारे होटल्स ऐसे हैं कि मतलब 10 बजे के बाद खाना देना बंद कर देते हैं। ट्रेन में भी क्या मंगाऊँगा और पूरी ट्रेन खाली हो चुकी है। तो हाँ वाइज डिसीजन इज़ टू गेट डाउन एट त्रिवेंद्रम, थोड़ा पेट भर लूँ। हाँ पियेंगे ना कॉफ़ी पिलाओ यार। तो ये इतने प्यारे भैया है ना भाई साहब, मतलब कसम से 3 दिन से लगातार एंड इज एन ऑनेस्ट पर्सन। तो अनुज भाई मिलके बहुत अच्छा लगा आपसे। पैसे दे दिए उसने आकाश ने? अभी नहीं दिए आकाश ने। हाँ तो आकाश को इतने पैसे भेजे हैं 3 दिन में ना, गूगल पे भेजे हैं उसको। बना दो भैया एक कॉफ़ी आखिरी पी लें, थोड़ी बहुत एनर्जी आ जाए, बच्ची कुची त्रिवेंद्रम तक काट लें। और हाँ सोचो त्रिवेंद्रम तक ये हाल है, उसके बाद तो भाई साहब मुझे लगता है कि सिर्फ भैया ही जाएंगे कन्याकुमारी और रात में 12 बजे पहुँचेंगे। तो हाँ भैया खाना कहाँ से खाओगे अब रात में? रात में हमारा अपना कैंटीन में बनता है। कैंटीन में आपका बन जाता है? इनका तो बन जाएगा, मैं कहाँ जाऊँगा, मेरे को समझ नहीं आ रहा। इसलिए दिमाग से डिसीजन लेना ज़रूरी होता है कई बार। कॉफ़ी ले लिए गाइस मैंने। किसको बेचोगे? कोई है ही नहीं, किसको बेचोगे? राउंड लगा के आ जाऊंगा बस। अच्छा राउंड लगा, ठीक है मैं भेज रहा हूँ। तो राइट नाउ इट्स 7:22 इन द इवनिंग, डे 3। वी हैव कवर्ड अराउंड 3,500 किलोमीटर्स लगभग फ्रॉम कश्मीर। आई थिंक ये हमारा लास्ट स्टॉप है बिफोर त्रिवेंद्रम। व्हाट अ जर्नी, पूरी बॉडी में ऐसा ब्लोट लग रहा है ना कसम से भाई, आपको मैं क्या ही बताऊँ। मतलब ना वो बोलते हैं ना किसी बीजे को रख दो पानी में तो वो सूज जाता है, वही हाल है मेरा फिलहाल। बस आखिरी स्टॉप है फिलहाल। ठीक रश देखो गाइस, अलग लेवल वाला रश है। अगर आप जूम करके देखो तो हाँ जनरल में तो मतलब बैठने की जगह नहीं है। मुझे याद है मैं एक बार ट्रैवल कर रहा था विवेक एक्सप्रेस में ना, तो डिब्रूगढ़ पहुँचते पहुँचते पूरी ट्रेन खाली हो गई थी और जब हम स्टार्ट हुए थे कन्याकुमारी से तब पूरी भरी हुई थी। तो यही होता है ये लंबी ट्रेन्स और लॉन्ग जर्नीज का, बहुत लोगों से मिलते हो, बहुत लोगों के साथ बातें करते हो एंड एट द एंड जब आप अपनी डेस्टिनेशन पहुंचते हो अकेले ही रहते हो। तो लाइफ में भी एक लाइफ के लिए भी एक इतनी बड़ी चीज़ है ना, थोड़ा डीप है, ध्यान लगा के सोचो। 9.5 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम त्रिवेंद्रम पूरी ट्रेन खाली है एंड जो अंकल बैठे थे मेरे सामने वो बहुत एंगजाइटी भी हो रही है, अजीब सा लग रहा है। एंड बस 9 किलोमीटर हैं, सामान वामान निकालता हूँ। अगर मैं याद करता हूँ कि जर्नी की शुरुआत कब हुई थी तो एक अजीब सी फीलिंग आ रही है कि भाई इतना टाइम हो गया निकले हुए। एनीवे आई होप आपको ये सारे के सारे ब्लॉग्स पसंद आए हों। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक हमने हिंदुस्तान को एक्सप्लोर किया है पूरे तरीके से। हालांकि अब आप मुझे कमेंट्स में ये मत लिखना कि आप कन्याकुमारी नहीं गए। गाइस जस्ट 50 किलोमीटर पहले हैं एंड अगर मैं जाता, मेरी टिकट जो कन्याकुमारी तक ही है, मैंने पैसे पूरे दिए हुए हैं, बट आई थिंक इट्स अ वाइज डिसीजन क्योंकि कल को मुझे वापस फिर त्रिवेंद्रम आना पड़ेगा और फिर अगर मैं 12 बजे पहुँचूंगा तो खाऊँगा क्या? 3 दिन से वैसे ही मैंने ढंग से कुछ नहीं खाया है। 3 दिन तक बेड यही था
तीन दिन तक। जस्ट इमेजिन, ये त्रिवेंद्रम का ही कोई दूसरा स्टेशन है, कोचीवली है ये बेसिकली, त्रिवेंद्रम में ही आता है। अभी ट्रेन रुक गई है कोचीवली में, बट थोड़ा सा वॉक कर लेता हूँ व्लॉग के अलावा भी। तो निकलते हैं फाइनली, और बस मैं झाड़ रहा था भाई कुछ निकलना है, ठीक है। कैमरे की बैटरी भी कम है, सामान बाहर रखते हैं। तीन हजार 700 किलोमीटर कवर करने के बाद और ना जाने कितनी सारी स्टेट्स कवर करने के बाद हम आए हैं त्रिवेंद्रम, जो कि है केरला की राजधानी। एंड त्रिवेंद्रम से निकलते साथ ही आ जाएगा तमिलनाडु। 50 किलोमीटर दूर है यहाँ से कन्याकुमारी, लगभग एक घंटा डेढ़ घंटे का रास्ता है। बट भाई मेरा पेट कह रहा है चीख चीख के कि भाई कुछ खा ले वरना भूखा मर जाएगा पक्का। एनीवे, व्हाट अ ब्यूटीफुल जर्नी इट वाज, एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पूरी सीरीज पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना एंड कमेंट करके बताओ यार कैसा लगा वीडियो। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। जाके मैं शावर के नीचे घुस जाऊंगा दो घंटे के लिए। बाय।